मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है? सर, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन मेटल्स में नहीं होते, इसलिए मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं। फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में सेम रीडिंग कब होती है? -40 डिग्रीज पर। डिफाइन फोर्स। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश और पुल। और उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट? न्यूटन। प्राइम नंबर जानते हो? जी सर। सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताओ। सर, प्राइम नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन थे? सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? सर, 1789 से 1799 तक। मोटो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। 2020 के समर ओलंपिक्स कहाँ होंगे? सर, टोक्यो, जापान। इस ग्लास में भरे पानी का वॉल्यूम कैसे निकालो? सर, पानी के हाइट को πr² से गुणा करके। मैडम चल। पढ़ा लिखा तो हम है नहीं, क्या बोलेंगे? डोंट वरी, तुमसे किताबी सवाल नहीं पूछेंगे। आइए चलो। कितने बच्चे हैं आपके? बस यही एक, बुलबुल कुमार। आप और क्या करती हैं? स्टील बर्तन का फैक्ट्री में बफिंग का काम करते हैं, डेली 8 घंटा। मगर बुलबुल को पढ़ाई छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं। बुलबुल को कभी ट्यूशन, कोई कोचिंग दिलवाया है आपने? नहीं, वो कभी लेता ही नहीं। तो वो तो खुद ही पढ़ता है। शंभू, जेबा, रतन, मुनिया, सूरज, खलिया, बस्ती का सब बच्चा लोग को ट्यूशन देता है। स्कूल की फीस के बारे में वगैरह पता है आपको? हाँ, हम सब कर लिए हैं। वो फीस, ड्रेस, किताब, कॉपी, एडमिट चार्ज सब कर लिए हम। कोई डिफॉल्ट नहीं होने देंगे साहब। मैडम, ये रिक्शे वाले का बच्चा है, फ्रॉम द स्लम्स, और मदर तो लेबर का काम करती है बर्तन फैक्ट्री में। आप कैसे उसे तो उसमें गलत क्या है? मेहनत करते हैं वो लोग। एंड द चाइल्ड इज ब्रिलियंट एंड वेल बिहेव्ड। और आप लोग कॉन्फिडेंट हैं अच्छा परफॉर्म करेगा? मैम, ये लड़का मेरिट लिस्ट में आ सकता है। विल यू प्लीज स्टैंड अप एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? सर, माय नेम, आई आस्क्ड यू टू स्टैंड अप प्लीज। सर, माय नेम, लाउडर प्लीज। जी, माय नेम सर बुलबुल कुमार। Oh, so we have a student conferred with knighthood right here in the class. Honored to have you, sir. So where were we with Samuel Taylor Coleridge? Day after day, day after day. Day after day, day after day. We stuck, nor breath, nor motion. We stuck, nor breath, nor motion. As idle as a painted ship. As idle as a painted ship. Upon a painted ocean. Upon a painted ocean. Water, water everywhere. Water, water everywhere. Not a drop to drink. Not a drop to drink. Why has the management decided to take you in this class in the middle of the term? Your board exams are coming up in a few months. You haven't even read the English books prescribed for CBSE course. And your grammar is poor to say the least. What on earth is wrong with the management? क्या ये अंग्रेजी, हिंदी, शब्दकोश? अरे यार, डिक्शनरी है ये। प्रदीप, ये तेरा बैग है ना, देख। हाँ यार, मैंने फेंक दिया था, इसके डैड ने उठा लिया, बट इट्स ओके। यार, रियली में तुम्हारे पापा रिक्शा चलाते हैं? हाँ, हम लोग उसी में तो स्कूल आते हैं। तो यहाँ कैसे, मतलब सफायर में? हमारे स्कूल में ही क्यों? बापू कहते यही है आगे बढ़ने का रास्ता, नरक से निकलने का रास्ता। वाओ, पेपर में आया था,
ड्राइवर का बेटा मेडिकल क्लियर कर गया। अरे रिजर्वेशन में होगा। तुम क्या करोगे? इंजीनियरिंग, MBA? अरे ये सब सपने हैं मुंगेरी लाल वाले। तो क्या आप ही लोग को सपना देखना अलाउड है? देखो यार, तुम भी देखो, खूब सपने देखो, टाइम से उठ जाना मगर। माय मम्मी। चलो चलो, चलो। आजा। अरे ये कौन बैठा है सीट पर? ये कौन है ये? वो सीट खाली था, मिस्टेक से बैठ गया। वो स्टूल पर बैठता है नीचे। यहाँ सफायर का ड्रेस पहन लिया तो क्या माथा पर बैठेगा? अपना औकात भूल गया रिक्शा वाला। माफी। उतरो बेटा नवीन, नहीं जाना है इसमें। माफी कर दीजिए, वो बस ब्लंडर कर दिया हमारा बच्चा। नीचे बैठ। आप चलो, हम पैदल पहुँच जाएंगे। नहीं बेटा, वो नीचे बैठना है, बस सीट पर नहीं बैठना है ना। बच्ची एक्सप्रेस से पहले पहुंच जाएंगे, शॉर्टकट से। बेटा आप इधर आए। सॉरी हो गया। अरे यही प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ। सॉरी हाजू। मैक्स इज इक्वल टू 15। वेरी गुड, गुड। सर हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कंटिन्यू। सॉल्यूशन 2, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। We will multiply this by 3. ठीक है बोलो। दी, हम तुम्हें इंग्लिश सिखाएंगे और तुम हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स दिखाओ। What rubbish? That's not fair. एक के बदले तीन तीन। It's a deal, पांडे जी। साहब, ये बुलबुल की वालदा है। कहाँ हैं बुलबुल कुमार के पिताजी? पता नहीं साहब, 8 दिन हो गया, लौट कर वापस नहीं आए काम पर से। पहले भी कभी ऐसे गायब हुए थे? नहीं साहब, लेट हो जाते थे एक आध बार, पर देर सवेर रात तक वापस जरूर आ जाते थे। न जाने कहाँ चले गए। हम थाना, अस्पताल, सभी जगह ढूंढे हैं। चिंता मत करो, मिल जाएगा, खोज लेंगे हम। बुलबुल कुमार का यही है साहब, परेशान है वो भी, कोचिंग नहीं लगा उसका, तो कर रहा है अपने से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो साइन हुआ पी अपॉन एच। बुलबुल भैया चाचा को खोजने आए। पानी का केमिकल फॉर्मूला बताओ। H2O। और नमक का? NaCl। चीनी? C12, H22, O11। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताओ। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे सर, बस हमारे बाबूजी को खोज दीजिए। खोज देंगे। साइन बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तुम अपने पिताजी की चिंता छोड़ दो, हम पता लगा लेंगे उनका। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा टाइम नहीं बचा तुम्हारे बोर्ड्स में।
चलो। आप लोग बाहर जाओ। इधर आओ। बैठो। अंबेडकर नगर बस्ती, यहीं रहते हैं ना तुम्हारा बेटा बुलबुल कुमार और पत्नी राधिका? क्यों किया तुम ये चोरी और क्यों छुपा रहे हो? तुम गलती हो गए सर, प्यारा दादा। बैठो। हमने ही गलती है सब साहब, सब बर्बाद कर दिया। हम सरकारी स्कूल में पढ़ता था, हमने औकात से बड़ा सपना देख लिया हजू ऑल इंडिया स्कूल में पढ़ाने का। पार नहीं लगता था साहब, तो कर्जा का पहाड़ खड़ा हो गया। खत्म कर दिया अपना बच्चा करना है। बुलबुल को पता चल गया तो आपको कभी माफ नहीं करेगा वो साहिब। इससे पहले कि उसको पता चल जाए आपको फांसी में चढ़ा दीजिए, आपको तैयार दिलवा दीजिए। तुमने बच्चे के लिए किया मगर गलत किया। और ऐसा नहीं है कि बस इंग्लिश मीडियम से लोग आगे निकलते हैं, सरकारी स्कूल और स्टेट बोर्ड से भी लोग अच्छा रिजल्ट करते हैं, सफल भी होते हैं। और मौका नहीं मिलता है ना साहिब। हमरे उस्मान भाई कॉलेज पास करके कुछ नहीं हुआ, वो किताब बेचते हैं साहिब सेकंड हैंड। हो सकता है उन्हें सही रास्ता ना मिला, लेकिन हमें देखो, हम भी अपने गांव के स्कूल में पढ़े हैं। तुमने भले ही बच्चे के लिए किया हो, लेकिन है तो गलत ही। कोर्ट से रियायत की बात भी करें तो भी सजा तो तुम्हें मिलेगी। उसका कोई बात नहीं है हजू, कोई बात नहीं है हजू। हम हर सजा भोगने को तैयार है, बस बोर्ड तक बुलबुल को पता नहीं चलना चाहिए साहब। वो पता नहीं चलना चाहिए साहब। वो हम चुपचाप हम सजा काट लेंगे साहब। माफी के भी लायक नहीं रहे हम तो। तीन दिन में बुलेट परीक्षा है और बुलबुल को एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं। पुराना बुलेट भी नहीं बैठ सकता है, फॉर्म ही नहीं भरा, क्या करेंगे? सब गलती हमारा है, सारा दोष हमारा है। बापू चुप रहो, बस कोसना बंद करो अपने आप।